हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर फ्लैट स्लैब के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ये जो वीडियो है ये रिलेटेड टू फ्लैट स्लैब है। दोस्तों, फ्लैट स्लैब के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अगर उसकी डिफिनीशन की बात करूँ तो उसकी डिफिनीशन होती है स्लैब विच इज़ बीमलेस, दैट स्लैब इज कॉल्ड फ्लैट स्लैब। मतलब जो स्लैब बीमलेस होती है, जिसमें बीम नहीं होता है, ऐसे स्लैब को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैट स्लैब बोलते हैं। ऐसी स्लैब मैक्सिमम पार्किंग एरियाज में हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि पार्किंग एरियाज में ढेर सारे आपने देखा होगा MEP की पाइपें होती हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग्स की पाइपें, और साथ ही साथ फायर की पाइपें हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पाइपें हैं, ढेर सारी पाइपों की डक्टिंग्स होती हैं। और अगर आपके पास बीम है तो बार बार उसको आप प्लम्ब किए, पर के फिर नीचे आए, फिर उस पर गए, फिर ऐसे ऐसे कई बार आपको अपने पाइपों को मोल्ड करना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के अगर देखा जाए तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है दोस्तों। तो उसका सोल्यूशन प्लस एक और बहुत अच्छा प्रॉफिट है आपको फ्लैट स्लैब के साथ, ये फ्लैट होता है तो एक लाइट लगाया तो काफ़ी दूर तक का एरिया वो कवर करता है एक लाइट। अगर हम लोग बात करें कि अगर नॉर्मल स्लैब जो कन्वेंशनल स्लैब होती है तो उसमें क्या होता है कि हर एक बीम के अंदर आपको एक स्लैब डालनी पड़ती है, जो कि आपके लिए कॉस्टली होगी। तो आई थिंक कि आपको अच्छा होगा कि आप फ्लैट स्लैब यूज करें और आपका अपने कन्वेंशनल स्लैब से बच सकते हैं, मीन्स आपकी कॉस्ट ही बच रही। क्यों? क्योंकि बीम नहीं लगानी पड़ेगी और साथ ही साथ फ्लैट स्लैब को आप अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ दे सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि फ्लैट स्लैब जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि इसके भी टाइप्स हैं अलग अलग। तो फ्लैट स्लैब होता है नॉर्मल फ्लैट स्लैब, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल फ्लैट स्लैब जिसमें बीम नहीं होता है, और दूसरा एक है और दूसरा है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लैट स्लैब विथ ड्रॉप पैनल। आप बोलेंगे सर फ्लैट स्लैब विथ ड्रॉप पैनल ये कौन सा, इस ड्रॉप पैनल क्या होता है? तो ये देखिए ड्रॉप पैनल आपको यहाँ पर दिख रहा है। ड्रॉप पैनल क्या होता है? ड्रॉप पैनल मीन्स ये एक पैनल है जो पंचिंग शियर को कम करता है। लाइक अगर हम स्लैब की डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें पंचिंग शियर आ जाता है। पंचिंग शियर क्या होता है? अगल बगल के लोड से आया हुआ जो शियर होता है दैट इज कॉल्ड पंचिंग शियर। तो जो पंचिंग शियर है उसको रिड्यूस करने का काम कौन कर देता है? ये ड्रॉप पैनल। मीन्स कॉलम पे वेट जा रहा है उससे पहले इसने उसको वेट को रोका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा फ्लैट स्लैब का जो तीसरा टाइप है, इसको बोलते हैं फ्लैट स्लैब विथ ड्रॉप पैनल, सॉरी फ्लैट स्लैब विथ कॉलम हेड। कॉलम हेड क्या करता है? कॉलम हेड क्या करता है? फुल कॉलम को ऊपर से स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, जिससे कि उसको सपोर्ट मैक्सिमम मिल जाता है और उससे हमारे जो बीम होता है बीम को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा अच्छी तरीके से डिजाइन हो जाता है। अब एक और है कि अगर बहुत ज़्यादा लोड भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा पंचिंग शियर भी आ रही है, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैट स्लैब विथ ड्रॉप पैनल एंड कॉलम हेड। मीन्स ये जो है ये सबसे अच्छा है। इसमें क्या होता है, ड्रॉप पैनल भी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे कॉलम हेड भी लगा हुआ है, साथ ही साथ कॉलम भी लगा रखा है, तो ये काफ़ी हद तक अच्छा है कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप्स के फ्लैट स्लैब हैं। एक बार फिर से दोहराता हूँ, नॉर्मल फ्लैट स्लैब विथ ड्रॉप पैनल, फ्लैट स्लैब विथ कॉलम हेड एंड फ्लैट स्लैब विथ ड्रॉप पैनल एंड कॉलम हेड। तो ये जो स्लैब है ये स्लैब मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ स्लैब, जैसा कि अदर टाइप आप जानते हो कन्वेंशनल स्लैब। तो कन्वेंशनल स्लैब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशनल स्लैब दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वन वे स्लैब, एक होता है टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब क्या होता है, लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन इज इफ़ ग्रेटर देन टू, इफ़ ग्रेटर देन टू क्या हो जाता है, ये वन वे स्लैब होता है, और इफ़ दिस इज़ लेस देन टू तो इसको बोलते हैं क्या, टू वे स्लैब। लेस देन टू मीन्स अगर मान लीजिए आपका स्पैन एक दो मीटर का है और एक दो मीटर का, मतलब लेंथ और विड्थ दोनों दो दो मीटर के हैं, तो टू बाई टू व्हाट, वन, वन इज व्हाट, लेस देन टू, दैट मीन दिस इज टू वे स्लैब। और अगर यही चीज़ 2x6 का होता तो 6 लॉन्गर स्पैन है, मतलब ly by lx, तो ly कितना है 6, 6/2 कितना आया 3, ये क्या हुआ 2 से ज़्यादा है। जब 2 से ज़्यादा है दैट मीन ये क्या हो गया, ये हमारा वन वे स्लैब हो गया। तो वन वे स्लैब को अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊँ तो कोई रेक्टेंगुलर स्लैब का टाइप का स्लैब है, तो आप समझ जाइए कि रेक्टेंगुलर टाइप का अगर स्लैब है तो वो पक्का ही वन वे स्लैब होगा, और अगर स्क्वायर टाइप का है तो पक्का ही टू वे स्लैब होगा। तो इस तरीके से बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसे ही फिक्स है। और इसके और दूसरे सर डिफरेंस बताऊँ तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा डिफरेंस पे, क्योंकि ढेर सारे डिफरेंस है, बट एक छोटा और डिफरेंस बताता हूँ। जो वन वे स्लैब होता है उसमें स्पैन केवल एक डायरेक्शन में पड़ती है, जो टू वे स्लैब होता है उसमें स्पैन दोनों डायरेक्शन में पड़ती है। तो ये दोनों का मेजर डिफरेंस होता है, जो मैंने स्टैट प्रो के एनालिसिस में भी आपको दिखाया हुआ है। आप बोलोगे सर दूसरे भी टाइप्स के स्लैब होते हैं क्या? हाँ जी, दूसरे टाइप्स के भी स्लैब होते हैं, जैसे कि वेफल स्लैब होता है,
बेफल स्लैब क्या होता है, बेफल स्लैब हमारा जो होता है वो स्लैब बॉक्सेस बना दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए आपको बॉक्सेस बना के इस तरीके से अलग अलग शेप्स के हम लोग बेफल स्लैब बना लेते हैं। तो ये बेफल स्लैब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डोम स्लैब, आपने देखा होगा मस्जिद में गुरुद्वारों में कुछ इस तरीके का शेप होता है डोम शेप, तो उसको बोलते हैं हम लोग डोम स्लैब को बोलते हैं डोम स्लैब। तो ये डोम स्लैब होता है एक्चुअली टोटल जो 16 टाइप्स के स्लैब होते हैं। कितने टाइप के स्लैब होते हैं? 16 टाइप के टाइप स्लैब होते हैं। इसके बाद एक बात है सुकेन स्लैब होता है। सुकेन स्लैब क्या होता है? सुकेन स्लैब जो कि सिंक वगैरह जैसे बाथरूम वगैरह में सिंक लगाना हुआ, सिंक एरियाज में जहाँ पे हमको उसको फिल कट करके फिल करना हुआ, फिर उसके बाद फिर से मतलब कि कटिंग किया, पाइपिंग को निकाला, उसके बाद हम लोग फिर से फिल कर दिए, देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सुकेन स्लैब। तो सुकेन स्लैब क्या होता है, ये मैक्सिमम कहाँ पर यूज़ होता है? ये यूज़ होता है अपने किचन एरियाज़ में और साथ ही साथ अपने लाइक बाथरूम एरियाज़ में, ऐसे जगहों पे बहुत ज़्यादा सुकेन स्लैब यूज़ होता है। ठीक है, तो सुकेन स्लैब भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सनसेट स्लैब होता है। सनसेट स्लैब आपको पता होना चाहिए। सनसेट स्लैब क्या होता है? सनसेट स्लैब जो स्लैब अभी जैसे विंडो लगा हुआ, तो विंडो के बाहर जो स्लैब लगा होता है इसको बोलते हैं सनसेट स्लैब, जिसका कवर रखते हैं 25। तो इसके कवर भी आप ध्यान सकते हैं कि सनसेट स्लैब क्या होता है। इसके बाद आपने देखा होगा किचन स्लैब, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं रोटियां बनाते हैं, जो जो स्टेप्स होता है दैट इज़ कॉल्ड किचन स्लैब। तो आपको किचन स्लैब भी पता होना चाहिए। इसके बाद रूम स्लैब होता है, रूम लॉफ्ट जिसको क्या बोलते हैं, अगर हमारी लैंग्वेज सबके अलग अलग लैंग्वेज है, उसको रूम रूम में जैसे स्टोरेज रखना होता है तो उसके लिए एक स्लैब बनाते हैं जो रूम स्लैब होता है, तो वो स्लैब को हम लोग बोलते हैं रूम स्लैब। एक होता है लो हीट स्लैब। लो हीट स्लैब क्या होता है दोस्तों? लो हीट स्लैब मींस गेट, अभी देखा होगा आप लोग घर के अंदर एंट्री किए और एंट्री करने के बाद ऊपर से एक स्लैब है जो वन साइड से खुला हुआ है और तीनों साइड से क्लोज है, मतलब अपने डोर के ऊपर एक स्लैब है, दैट स्लैब इज कॉल्ड लो रूफ स्लैब। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या करते हो आप स्टोर रूम के तरह यूज़ कर सकते हो। मीन्स आपने गेट खोला, गेट के ऊपर गेट 7 फीट का रख दिया, 7 फीट पर एक स्लैब लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लो हीट स्लैब। इसके बाद एक स्लैब होता है जिसका नाम है लिंटन स्लैब। लिंटन स्लैब क्या होता है? जैसे डोर हमारा खत्म हुआ या हमारा विंडो खत्म हुआ, तो विंडो के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? लिंटन लगते हैं। तो लिंटन स्लैब क्या करता है? लिंटन स्लैब हमारा जो वॉल होता है उसको पैक करने का काम करता है। वॉल को हमारे पैक मतलब वॉल को हमारे स्ट्रेंथ देने का काम कौन करता है? लिंटन स्लैब। इसके बाद एक होता है सस्पेंशन केबल स्लैब। सस्पेंशन केबल स्लैब क्या करता है? जैसे कि वो ब्रिजेज है, ब्रिजेज में मैक्सिमम क्या यूज़ करते हैं? सस्पेंशन केबल स्लैब यूज। एक होता है इसमें दोस्तों क्या होता है? पिच रूफ स्लैब। पिच रूफ स्लैब आपने देखा होगा क्या ढेर सारे पिच रूफ स्लैब हम लोग को दिखते हैं। और इसके बाद एक होता है स्लैब विथ आर्चेस। स्लैब विथ आर्चेस क्या होता है? इसमें हमारे पास आर्चेस होता है। ठीक है, आर्चेस होते हैं। इसके बाद आर्चेस के बाद एक होता है प्रोजेक्टेड स्लैब। प्रोजेक्टेड स्लैब मतलब इसको हम लोग कैंटिलीवर स्लैब भी बोल सकते हैं। कैंटिलीवर स्लैब जो होता है उसको हम लोग प्रोजेक्टेड स्लैब बोलते हैं। जैसे कि हम लोग गाड़ियों को पार करने के लिए हम लोग प्रोजेक्टेड स्लैब लगा देते हैं, तो इस तरीके के स्लैब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टेड स्लैब या कैंटिलीवर स्लैब। इसके बाद एक स्लैब होता है जिसका नाम है ग्रेट स्लैब। ग्रेट स्लैब में क्या होता है कि ग्रेट स्लैब हमारा सपोर्ट के लिए होता है, जो हम लोग जमीनों में भी लगाते हैं, लाइक कॉलम खड़ा तो कॉलम के बगल लगा दिया, ऐसे स्लैब को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट स्लैब बोलते हैं। इस तरीके के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स के बारे में हमको एक्चुअली देखिए, जब किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो आपको डीप नॉलेज में अगर नहीं जानेंगे तो आपको उसके बारे में फुल नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, अब अगर बात करूँ प्रीकास्ट सेक्शन में अगर आते हैं हम लोग, तो प्रीकास्ट में सबसे अच्छा एक स्लैब होता है जिसको बोलते हैं हॉलो कोर स्लैब। हॉलो कोर स्लैब क्या होता है? ये हॉलो होता है, इसके अंदर स्टील हम लोग बाहर से प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा कि स्टील ले आके उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो हॉलो कोर स्लैब का डेड वेट जो होता है, डेड लोड जो होता है, वो हमेशा छोटा होता है। तो मतलब सॉरी छोटा मतलब कम होता है, तो कम होता है डेड वेट, इसलिए हम लोग हॉलो कोर स्लैब को काफ़ी यूज़ करते हैं। इसके बाद एक स्लैब होता है जिसका नाम है प्री टेंशन स्लैब। प्री टेंशन स्लैब क्या होता है? प्री टेंशन स्लैब में आपने क्या किया, छोटा स्पैन मतलब कि मैक्सिमम 25 फीट तक हम लोग यूज़ करते हैं। 25 फीट तक का जो स्लैब है उसको हम लोग प्री टेंशन बना लेते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में ही बनाया, वहाँ पे ही क्यूरिंग किया, वहीं पे ही उसका कवर वगैरह चेक किया और डायरेक्ट ले आके हमने पुट कर दिया। बट अगर 25 फीट के ऊपर है तो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे अगर विथ रेनफोर्समेंट तो बहुत हैवी जाता है, जो कि क्रेन से भी पॉसिबल नहीं होता है और ट्रक से भी पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? पोस्ट टेंशन स्लैब यूज़ करते हैं। पोस्ट टेंशन स्लैब भी बहुत ही यूजफुल होता है। पोस्ट टेंशन स्लैब ऐसे स्पैन के लिए होता है, मतलब अप टू 40 मीटर तक, अपर टू 40 फीट तक होता है, जो कि 4, 6, 8 and 10 or 12 इंचेस का होता है ये। और जो प्री टेंशन होता है ये 4, 6, 8 का ज़्यादा आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। तो हमने प्रीकास्ट के आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें देखा होगा आपने ड्रीप में कि हमने किस तरीके से इसको निर्माण किया जाता है इसका। तो वो भी स्लैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस स्लैब में हम लोग क्या करते हैं कि उसको ले आने के बाद उसमें हाइड्रोलिक जैक लगा के टेंडन्स डाल देते हैं और टेंडन्स डाल के उसमें स्ट्रेस देते हैं जितना भी हमको स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। तो भी एक स्लैब का टाइप है, तो आप उसके बारे में भी जान सकते होंगे। अब
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि वन वे टू वे स्लैब के बीच में डिफरेंस आपको बताया जाए, मीन्स एक डीप डिफरेंस, और अगर आप चाहते हैं कि मैनुअल डिज़ाइन भी बताई जाए, इनकी मैनुअल डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे, तो नीचे कमेंट करिए और कमेंट करके हमको बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा। आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करना या सब्सक्राइब करना, आप लोग ही शेयर कर रहे हो सब्सक्राइब कर रहे हो, इसलिए मैं डेली एक एक वीडियोस लेके आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है और मुझे लगता है और भी नए टॉपिक्स ले आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज।